बिग बॉस के घर में शिव ठाकरे पहली बार इस तरह से उनका इमोशनल ब्रेकडाउन उन्होंने दिखाया, पहली बार इमोशनली टूटते नजर आए पहली बार शिव ठाकरे। और ये पहली बार मैं इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज शिव से किसी को शायद ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हर किसी को लगता था कि हाँ ये तो बीबी विनर है, यू नो ये सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ करता है। लेकिन शिव ठाकरे के आउटबर्स्ट ने एक चीज़ तो दिखा दी है कि शिव क्यों विनर थे मराठी सीजन के, बिकॉज वो दिल से यू नो सच्चे इंसान है, वो चीज़ क्लियरली दिखती है। लेकिन फिलहाल के लिए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि शिव ठाकरे की गर्लफ्रेंड, जी हाँ वीनी, जिन्होंने बिग बॉस का मराठी सीजन देखा है जिसमें शिव और वीनी थे, शिव जिसके विनर रहे थे, उस सीजन में ही शिव की नज़दीकियाँ वीनी से हुई और शिव खुद उन लोगों में से है जिन्हें सीजन में प्यार हुआ। लेकिन एज आई से कि जेन्युइन रिश्ता और फेक रिश्ता दिख जाता है, पता चल जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि शिव ठाकरे 3-3.5 महीने अप्रॉक्सीमेटली वो बिग बॉस के घर में थे और एक अच्छा खासा वक्त बिताने के बाद उन्हें जाकर वीनी से प्यार हुआ था। सो मैं आपको बता दूं कि वीनी जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो इस वक्त सपोर्ट में आई है उनके और उन्होंने शिव की ये तस्वीर शेयर की है और इसके साथ यहाँ पर एक स्वीट सा नोट लिखा है। वो लिखती हैं वाग आहिस तू हग्स, यानी कि आई एम हगिंग यू, एंड वो लिखती हैं तू शेर है शेर, ठीक है, रडू नाही अजीबात मी आहे सोबत नहीं, यानी कि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि रो मत, यू नो मेरी बात मान और मैं तेरे साथ हूँ, इतना याद रखना हमेशा के लिए। सो कहीं ना कहीं एक वो जो गर्लफ्रेंड वाइब है वो क्लियरली वीनी से यहाँ पर आ रही है। एंड ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, वीनी का जो प्यार है शिव के लिए वो यहाँ पर बहुत कुछ कह रहा है। मैं इन दोनों का आपको एक पुराना वीडियो दिखाती हूँ। इनके रिश्ते की ये शुरुआत थी बिग बॉस के घर में जो आपको देखना बनता है। सो ये बड़ा ही अडोरेबल सा वीडियो है बिग बॉस मराठी का, जहाँ पे शिव और वीनी धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और ये एकदम से नहीं हुआ था, ये देर आए दुरुस्त आए वाली चीज़ थी। लेकिन हाँ ये बहुत ही प्यारी चीज़ थी, घर में जिस तरीके से ये रहते थे, जिस तरीके से ये खेलते थे, तो ये सारी चीज़ें अपने आप में काफ़ी स्पेशल हैं। बिग बॉस ने भी मेंशन किया था विनी का नाम और कहा था कि आप चाहते हैं कि विनी से मिलवाएं, तो शिव ने कहा था कि हाँ विनी भी चलेगी, किसी एक घर वाले से आप मिला दीजिए क्योंकि घर वालों की बात जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। खैर क्या कहेंगे, शिव ठाकरे की गर्लफ्रेंड को लेकर पहली बार वो शिव के लिए इस कदर सपोर्ट में आई हैं और इतना अडोरेबल सा मैसेज दिया है, क्या कहेंगे इस पर आप बताइएगा।